जो लोग परेशान हैं, जिनके मन उदास हैं, वो आगे आ जाओ। जितने लोग परेशान हैं, जिनके मन उदास हैं, वो आगे आ जाओ। जिस कारण भी वो उदास है, प्रभु साइड पे आ जाओ जल्दी से। बुद्धि से नहीं आना, एक एक जीवन से। चल चलता उखड़ 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 चल चल। राइट नाउ जितने ऑनलाइन भी हैं, सब फ्री हो जाएं, आजाद हो जाएं। हर निराशा और उदासी का आत्मा आपको छोड़े और आप आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं। फ्री 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 द नेम ऑफ जीसस। फ्री 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 आउट आउट फ्री 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 आउट आउट फ्री 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 चल चला बिगा आउट चल फ्री 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 आउट 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 फ्री 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 आउट आउट द नेम ऑफ जीसस नेम ऑफ जीसस आउट निकल 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 आउट आउट शट 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 निकल निकल शट शट आउट। चल बुद्ध निकल इसकी सोचों से, निराशा का दुष्ट आत्मा चल आउट। निकल 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 सबके जीवन से आउट 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 शट शट निकल पूरी तरह से शट शट आउट आउट चल पूरी तरह से निकल 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 शट 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 चल गंदी आत्मा निकल के इसको आउट आउट चल मत जीसस फ्री 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 द नेम ऑफ जीसस आउट 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 फ्री 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 आउट आउट फ्री। हालेलुया। तो प्रेरित जी जी सिस्टर बता रहे कि जो घर से बहुत ज्यादा परेशान थे, जो बता रहे कि जब जो बाइक पर थे बहुत ज्यादा रो रहे थे, इनका मन था कि जो बाइक से शाल मार दे, इतना डिप्रेशन बोझ में थे। सबसे पहले तारीफ करो इस बात की, क्योंकि आप अगर इतने देखो कितना बड़ा हालात है और आपके मन की बात को कौन जानता है, कौन है हमारे बीच। आप मुझे बताकर आए हो, जब लिखवा कर आए गए से, हाँ नहीं पापा जी। देखो कितनी निराशा में थे, कितने दुखी थे, कैसे शैतान कह रहा था कि बाइक से मैं शाल मार दूं, कूद पड़ूं बाइक से। देखो मैं पापा जी हाथ में ही बाइक नो पाया। ओहो हो, देखो मित्र ही आई सारी रात। कैसे कैसे शैतान आपके जीवनों को हाँ नाश करने के लिए अटैक करता है, पर जिसने आपको चुना है वो आपको देख रहा है, बचाने वाला आपके साथ है। इसलिए उसने आपको बचाया और आपको हर निराशा से आज छुड़ाया है। तारीफ करो जीवित परमेश्वर के लिए। मैंने कहा तारीफ करो। प्रेरित जी जो बहन बता रहे कि 12 साल का इनका बेटा हो गया है, उससे भी पहले जो प्रभु के ऊपर प्रभु पर विश्वास करते थे, जब बताते कि जब भी जो मीटिंग में जाते थे अदर चर्च जाते, आज ये फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए और इन्होंने एक पर्सनल मंडे की मीटिंग भी की है। और जब बता रहे कि जब भी जो संगति में बैठते थे कि इनका जो सिर वो हिलता था, इनको ऐसे फील होता था और बारी पर रहता था। और जब बता रहे कि जो प्रॉब्लम कभी नहीं हटी थी, और जैसे आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग इन्होंने अटेंड किया है और आज परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया। 12 साल का इनका बेटा हो गया और उससे पहले भी पहले से जो प्रभु पर विश्वास करते थे और संगतियां भी। इतनी लंबे समय से आपको ये प्रॉब्लम थी, जब भी आप मीटिंग में बैठते थे अदर चर्च भी जब जाते थे, आज आप पहली बार आए हो, सोमवार अपनी मीटिंग अटेंड की और आज आए हो, मंडे आए थे मंडे हाँ और आज आए हो, आज कोई प्रॉब्लम नहीं इतने सालों की।
कोई सिर नहीं हिला, कोई कुछ नहीं, अभी हाँ पूरी तरह से आप फ्री हो। हाँ। तारीफ करो छोर से, दुखिया ने भी मारा दा यसु बने आबेली, हो बारा साला दी रोगने ओ दी बन गई चेली। तो प्रेरे जी जेपी जी अपने बेटे के पिक लेके आए हैं, इससे जी बहुत परेशान है और जी बता रहे कि इसके बोझ के कारण इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा 8 दिन हो गए प्रॉब्लम थी। जब बता रहे कि जब भी जी अपनी बॉडी को टच करते थे, जहाँ जी बता रहे कि जब भी इनको ऐसे लगता था कि कुछ भी इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी मूवमेंट नहीं थी हो रही, हाथों में कोई कुछ भी नहीं था हो रहा, इनके हाथ जो है वो दर्द भी नहीं थे, इनको महसूस भी नहीं होता था और जिसके कारण जी बहुत परेशान थे। और जब बता रहे कि जैसे ही आज प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया था कि जो लोग बोझ में, जब जी आ गया इनके लिए ले हैंड हुई, बता रहे कि उसी समय क्या, क्या मुझे अच्छे से टच नहीं करते, हाँ वो हाथों में ऐसे जी बता रहे कि जैसे हम क्या कहते हैं तुझे बताना नहीं आ रहा, जैसे वो चूंडी बोरते हैं हाँ। वो ऐसे करते थे तो वो भी इनको महसूस नहीं होता था। अच्छा अब समझ आया मुझे, इनके हाथ सुन्न हो गए थे, जैसे किसी चीज को, जैसे मान लो मुझे कोई काटे ऐसे, जैसे चुंडी बोलते हैं हाँ, तो उससे दर्द होती है ना, इनको ऐसे भी नहीं होता, ऐसे इनके हाथ सुन्न पड़ गए थे हालात के कारण, बर्डन बोझ के कारण। ये बहुत बुरी चीज है, डिप्रेशन एक बोझ, इसी से शैतान हजारों बीमारियों को आपके जीवन में पैदा कर देता और इंसान को खत्म भी कर देता। किस चीज से? डिप्रेशन से। जो लोग आप सड़कों पर पागल लोग देखते हो ना, नंगी नंगे नंगे औरतों को भी देख लो, भाइयों को भी, वो कोई नीचे कपड़ा नहीं होता, वो ऐसे तो रह जाते, यही यही डिप्रेशन के कारण। जैसे आज परमेश्वर ने हमें एक साथ क्या किया, डिलीवर किया, छोटी बात नहीं है, हाथ सुन्न हो जाते थे, कोई ऐसे चुंटी मतलब समझ नहीं, कोई ऐसे काटता उसे तो कोई दर्द नहीं, ऐसे शैतान ने कर दिया था। आज ये सुन रहे हैं, कल को हम सुनते इनके बारे कि उनका शरीर डेड हो गया है, वो चारपाई पे। अगर ऐसे आज हाथों की गवाही दे रहे हैं ना कि हाथ सुनोगे तो काटते भी और कोई दर्द नहीं है। और अभी इन्होंने चेक किया है, बता रहे कि अभी आज इनको दर्द भी हुई है और देखो परमेश्वर इस प्रॉब्लम से इनको आजाद किया, अभी दर्द भी हुआ और आजाद भी किया। अगर ना करता तो हो सकता है कल आज हाथों पे, कल टांगों पर ये प्रभाव पड़ता पूरी बॉडी पर, और कल को चारपाई पे होती, डेड कर देता शैतान पूरी बॉडी को और एक दिन वो नाश करता। पर मैं एक चीज आपको बताता हूं, आज जब भी कोई शैतान आपको ऐसे प्रॉब्लम दे, हालात खड़ा करे, वो रेड सिग्नल दिखाता है, पर आपने रुकना नहीं। बोलो कि आपने रुकना, आपने आना है किसकी हजूरी में, आपने किसके पास आना है, बोलो किसके पास आना है। कभी जब शैतान रोके तो रुकना नहीं, ठीक है। तारीफ करो, ये बड़ा काम परमेश्वर ने किया है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। फ्री धन्यम ऑफ जीसस। सिस्टर बता रहे कि 3 महीने हो गए थे जो काफी बोझ में थे, डिप्रेशन में परेशान थे, और जब बता रहे कि जब भी इनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, इनको समझ नहीं आती थी क्या करे क्या ना करे, और जब बता रहे कि जैसे आज रास्ते में आ रहे थे और जब परमेश्वर को इन्होंने बोला कि परमेश्वर आज मेरा शोक आनंद में बदल जाए, जब बता रहे कि ये पॉइंट अच्छा है कि ये रास्ते में बोलकर आई कि परमेश्वर आज मेरा शोक आनंद में बदल जाए। इसलिए मैं कहता हूं अगर कुछ है ना तो बोलकर आया करो परमेश्वर कि मेरा शोक आज आनंद में, तो आज परमेश्वर ने बदल दिया जी। एक का नहीं बहुत सारे लोगों का बदल दिया, हाँ एक का नहीं, मैंने कहा बहुत सारे लोगों का क्या कर दिया उसने, बदल दिया है। तारीफ करो इस बात के लिए जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। तो प्रेरित जी बहन बीरबल से आइए, और इन्होंने बताया कि जिस दिन बीरबल में मीटिंग की गई थी और उस दिन प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रार्थना हुई थी, और जब बता रहे कि इनके राइट साइड जो इनके फेस का साइड है, आंख से लेकर पूरे दांत तक, जब बताते कि पूरी तरह हिलते रहते थे, जैसे वाइब्रेट अपने आप होते थे, और जब बता रहे कि दांत पर दांत ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे जब हिलते थे तो बहुत ज्यादा लगता था,
और सब बता रहे कि जैसे उस दिन प्रेयर हुई परमेश्वर ने उससे भी अच्छा किया और आज इनकी बॉडी पर बहुत भारी पंदा बोझ भी था। आज जैसे ही इस वर्ड को इन्होंने भी रिसीव किया आगे आए जब बता रहे कि परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से पूरी तरह से इनको आजाद कर दिया। तारीफ करो जोर से। तूफान जदो यीशु सुनो सुनो एक चीज सुनो ये अभी अभी हमने कहा ना हाँ बताओ ये प्रॉब्लम 4 महीने की थी। 4 महीने से थी जी। आपकी आंख क्या करती रहती थी? फटकती रहती थी। पूरा फटकता रहता था। और ये ऐसे छोटी होगी थी ना छोटी। जिस दिन मैंने प्रेयर की उस दिन तो पूरी ये ऐसे बंद थी। हल्की सी थी। आज तो बड़ी अच्छे से नजर आ रही है। खुल गई है आंख आपकी। अभी कोई फटकती नहीं है ना कोई भी। उसके साथ साथ आपके दांत भी अपने आप ऐसे बजते रहते थे। और अब कुछ नहीं है। फ्री कर दिया। तारीफ तारीफ करो इस बात के लिए। फ्री तो प्रेरित जी जो बहन बता रही है कि आज सुबह इन्होंने संगति में आना था तो इनके हस्बैंड जो बताते कि वो नहीं थे चाहते कि संगति में जाए। वो इनसे क्लेश करते थे और जिसके कारण जो परेशान थे बोझ में थे। पर इन्होंने बताया कि इन्होंने विश्वास किया और जो संगति में आ गए। पर इस चीज का इनको डर था कि इनके हस्बैंड इनको मना किया है। और जो बता रहे कि जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई उसे समय जो बताते कि वो डर इनके मन से पूरी तरह से हट गया है और जो बिल्कुल उस बोझ से फ्री हो गए। तारीफ करो क्योंकि तो प्रेरित जी जो बहन बता रहे कि जब सुबह इन्होंने मीटिंग में आना था तो इनके पास सिर्फ 40 रुपए थे। इनके पास किराया नहीं था। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया और जब बता रहे कि जो बोझ में थे परेशान थे और इनका मन था कि परमेश्वर मुझे आज संगति में जाना है तो परमेश्वर इनको 100 रुपया दिया उसी समय। और जब जिस संगति में आए तो जब बता रहे कि उस समय भी जो निराश थे बोझ में थे कि इनका मन नहीं लग रहा था। पर जैसे जब बता रहे कि प्रभु के दास के मुख से प्रोफेटिक वर्ड्स आया उसी समय जब बता रहे कि जब इनके लिए प्रेयर हुई और उसी समय जो बोझ था उसे परमेश्वर ने पूरी तरह से इनको आजाद कर दिया। तारीफ करो ये शैतान का सबसे बड़ा अटैक है। रात को सपना आया था एक छोटा बच्चा था और जो बता रहे कि उस बच्चे ने इनके वालों को खींचा और उसके बाद इनके पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। इनका बीपी लो हो गया और बॉडी में दर्द शुरू हो गया और इन्होंने मेडिसिन भी ली पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब बता रहे कि आज सुबह इनका संगति में आने में मन नहीं कर रहा था और ये काफी परेशान थे उस सपने को लेकर। और जैसे ही ये बता रहे कि आज संगति में आए इनके लिए ले एंड हुई और जो बॉडी में बहुत ज्यादा भारीपन था उसे समय प्रभु ने उस प्रॉब्लम से इनको आजाद कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे। प्रेरित जी जो बैंड बता रहे कि जो किराए के मकान पर रहते थे और जो मकान किराए के मकानदार का मालिक था और उसने इनको बोल दिया कि आप किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाओ क्योंकि उसको कोई और फैमिली मिल रही थी जो ज्यादा किराया दे रही थी। और जो बता रहे कि जी काफी बोझ में परेशान थे और आज सुबह ही वो मकान इनको खाली करना था और वो 3,000 रुपए इन्होंने देना था। पर जब इन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर आप इंतजाम कर सकते हो और जो बहुत परेशान थे और जो बता रहे कि जो फैमिली मकान देखने के लिए आई उनको पसंद नहीं आया और जो बता रहे कि परमेश्वर के आगे इनकी प्रार्थना है कि वो जो भी इंतजाम है परमेश्वर इनके लिए कर चुके हैं और इस बोझ में और परेशान में आज संगति में आए। और जैसे जो बता रहे कि प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया इन्होंने आज रिसीव किया अभी परमेश्वर ने उस बोझ से इनको हल्का कर दिया। तारीफ करो। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा लख लख दूत मेरी राखी ले ओ कलदा।